हमारे चैनल डालकर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं, कुछ हटके ट्राई करने जा रहे हैं जो कि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करा हुआ है, और आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है क्विलिंग से गणेश जी बनाते हुए, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि आज मैं क्विलिंग इफेक्ट क्रिएट करूँगी सुपर क्ले से गणेश जी में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा एंटर देखिएगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये पेपर प्लेट जो कि नाश्ता प्लेट के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी, या फिर आप इसकी प्लेस पे थर्माकोल की प्लेट भी यूज़ कर सकते हो। इसको पेंट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं फ्लैश के एक्रेलिक कलर, और यहाँ पे मैं 4 कलर का यूज़ करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग चाहें तो कोई भी 2 कलर का कंट्रास्ट कर सकते हो या फिर 1 कलर भी रख सकते हो। और प्लेट को पेंट करने के लिए हम ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्पॉन्ज का यूज़ करेंगे। स्पॉन्ज से पेंट करने से बहुत प्यारा इफेक्ट भी आता है और बहुत अच्छे से कलर सेट भी हो जाता है। प्लेट को पेंट करने के बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था और 10 मिनट्स में ड्राई भी हो गया था। अब प्लेट पर हम गणेश जी का ड्रेस को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे ड्रेस को कॉपी करने के लिए मैं अब कार्बन पेपर का यूज़ कर रही हूँ, और बटर पेपर पे मैंने ऑलरेडी गणेश जी बना के रखे हुए थे। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगी। आप लोग चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ड्रेस कॉपी करना है गणेश जी का, वो आप कॉपी कर सकते हो। और ये रफ ड्रॉ है, इसके अकॉर्डिंग हम गणेश जी बनाएंगे, लेकिन बाद में ये सारी लाइन्स कुछ नहीं दिखेगा, हम पेंट कर देंगे इसको। अब हम प्लेट को साइड में रख देंगे, और अब बारी आती है सुपर क्ले का यूज़ करने की। और इसे बनाने के लिए हमको बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा हमारा आर्टवर्क जो बन के रेडी होगा ना, उसका रिज़ल्ट देख के आपको इतनी ज़्यादा खुशी होने वाली है। आई एम श्योर कि आप लास्ट में वीडियो में यही बोलोगे कितना प्यारा लग रहा है। इसमें आपकी क्ले भी बहुत कम लगने वाली है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्ले ली है, उसको हमने इस टाइप से रोल करा है, और अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। अगर आप लोग को साइज़ का अंदाज़ा है तो आप लोग डायरेक्टली बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। मैं आप लोग के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो ये सब बनाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बनाए हुए थे क्योंकि मुझे साइज़ का अंदाज़ा था, इसलिए मैंने बना लिए थे। और ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो ये ड्राई भी हो गए हैं। और इन क्ले को हम ड्राई होने के बाद यूज़ करेंगे, फेविकॉल की हेल्प से हम इसको स्टिक करेंगे जिससे कि इफ़ेक्ट बहुत ही प्यारा आएगा। और इसमें मैंने वाइट कलर मिक्स करके 4 डिफरेंट शेड बनाए हुए हैं ब्लू के, आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे ब्लैक कलर का क्ले लेंगे और क्ले को हम इस टाइप से रोल करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आईब्रो और आइज़ बनाएंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आईब्रो में फेविकॉल लगा लिया है, अब इसको हम स्टिक करेंगे। और यहाँ पे मैंने सुपर क्ले से आई का शेप बनाया हुआ था, उसको मैंने फेविकॉल से यहाँ पे स्टिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज और ग्रीन कलर लूँगी और इस टाइप से मैं गोला बना लूँगी। यहाँ पे हमारे गणेश जी की मैंने ग्रीन आँखें रखी हुई हैं, और सेंटर में वाइट कलर की क्ले लगा दूँगी, और आप देख सकते हो कितनी प्यारी आइज लग रही हैं। और अभी तक का प्रोसेस अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब हमने जो क्ले से ओवल शेप बनाया हुआ था उसको हम फेविकॉल की हेल्प से इस टाइप से स्टिक करते जाएंगे। यहाँ पे मैं इस टूल का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोग के पास ये टूल ना हो चिपकाने के लिए तो आप डायरेक्टली हाथ से उठा उठा के भी चिपका सकते हो। और हमने गणेश जी के तिलक के लिए यहाँ पर रेड कलर यूज़ करा हुआ है। मैं गणेश जी को पूरा कलरफुल बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेमन येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ, फिर मैंने लेमन येलो में थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स कर दिया था और फिर ये कलर बन गया था। और ऐसे ही आप कलर बना सकते हो डिफरेंट। मैं यहाँ पर लाइट कलर से डार्क कलर की ओर जाऊँगी, और आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे लेमन येलो पहले करा हुआ था, फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन येलो ऐड कर दिया, अब इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पे ऑरेंज कलर ऐड कर दूंगी। सो यहाँ पे हमारे गणेश जी का इतना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे गणेश जी की धोती बनाएंगे, और यहाँ पे मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, और ब्लू कलर के मैंने 4 डिफरेंट कलर के शेड बनाए हुए हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था। सो मैं यहाँ पे डार्क कलर से लाइट कलर की ओर आऊँगी। हमने जैसे गणेश जी के एक पैर की धोती कंप्लीट करी हुई थी, वैसे ही मैंने सेम दूसरे पैर की धोती कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे गणेश जी के कान रेडी करेंगे। अब
अब यहाँ पे हमारे गणेश जी के दोनों कान रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम हाथों की ज्वेलरी बनाएंगे, जहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन येलो कलर के क्ले का। और सेम हम गणेश जी के पैरों में भी गोल्डन येलो कलर का क्ले लगाएंगे, क्योंकि हमको पैरों में ज्वेलरी थोड़ा सा इफेक्ट देना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्किन कलर के क्ले के जो ओवल शेप बनाए हुए थे उसको हम इस टाइप से लगा देंगे। और गणेश जी के हाथों में भी हम सेम यही वाला क्ले लगाएंगे स्किन कलर का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो गणेश जी का ड्रॉ बनाया हुआ था, मैं उसके अकॉर्डिंग क्यों इसमें फिल नहीं कर रही हूँ पूरे क्ले को। मैं यहाँ पे क्ले को उसके अकॉर्डिंग फिल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बोला हुआ था कि ये हमारा एक रफ ड्रॉ है। तो आप लोग ड्रॉ पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, बस आप इस प्रोसेस को देखना जो कि इसमें मैंने ज्वेलरी ऐड करी हुई है, गणेश जी के हाथ पैर सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से इसमें ऐड करा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख के इस आर्ट को रिक्रिएट करोगे तो इसका पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आप लोग का रिक्रिएशन देखूंगी। आपको इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे हमारे गणेश जी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, बस उनका मुकुट वाला पार्ट बस बचा हुआ है। और मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करके आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है इस आर्ट को रिक्रिएट करने के लिए। आप क्ले से जब ओवल शेप बनाए तो उसको आप दूर दूर रखिएगा, अगर आप एक साथ रखोगे तो वे चिपक जाएंगे और ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सेकंड, आप जब इसको चिपकाएं तो सारे क्ले आपके ड्राई होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था। अगर वो ड्राई रहेगा तो आप इजीली इससे काम कर पाओगे, इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और आई होप कि आपको मेरी टिप्स बहुत काम में आए। और अब हमारे गणेश जी भी रेडी हो गए हैं, और जो कार्बन पेपर से हमने आउटलाइन बनाई हुई थी, जो भी गंदगी हुई थी, वो सब हमने पेंट कर दिया है। और ये रहा हमारे गणेश जी का फाइनल लुक, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितना प्यारा ये पूरा इफेक्ट आया है और कितने कलरफुल वाइब्रेंट हमारे गणेश जी लग रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को गणेश जी कैसे लगे और नेक्स्ट मैं क्या बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।